अस्सलाम वालेकुम मेरी उम्र के नौजवानों के साथ, मैं हूं सुहेब अलवी और हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद आलम। कैसे हैं खुर्शीद भाई, बहुत दिन से नजर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम यार, आप बताएं, आप नजर नहीं आ रहे बहुत दिन से, क्या हो गया? आप कहां गायब हैं? ऑफिस नजर नहीं आ रहे, अब क्या हो गया यार? ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के बाद ना मुझे नमूनिया हो गया था, इतनी बुरी सीरीज थी। ओ तो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है आज का T20 देखने के बाद तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई होगी। नहीं, वो हफीज साहब मेरी समझ में आ गए, इन्हीं की वजह से मुझे डॉक्टर ने तशखीस की कि आपको हफीज की वजह से नमूनिया हुआ है। मैं तो ये समझता था कि वो किट और गेंद का रंग बदलेगा तो पाकिस्तान की किस्मत भी बदलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान यहाँ भी हार गया। और परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि मिली जुली रही, लेकिन जो है ना, शाहीन शाह अफरीदी को आपने नया कप्तान बनाया, कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं और बहुत सी चीजें जो है जो रिवायती हमारे निज़ाम का हिस्सा है ना वही है, और रिवायती निज़ाम का हिस्सा वही हो रही है। मिसाल के तौर पर फील्डिंग का जो इशू हमें ऑस्ट्रेलिया में पेश आ रहा था, वही इशू जो है हमें न्यूजीलैंड में भी हुआ। एक तो कैचेस ड्रॉप किए हमने अहम मौके पर, केन विलियमसन के 2 कैचेस ड्रॉप किए, सही है, और ग्राउंड फील्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। कैचेस तो न्यूजीलैंड ने भी ड्रॉप किए, लेकिन उनकी जो ग्राउंड फील्डिंग थी ना, खासकर बाउंड्रीज पर जो उन्होंने फील्डिंग की है वो बहुत अच्छी थी। दूसरा, आप जब आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है ना, तो इसका मायने ये नहीं होता कि आपने सिर्फ 6 ओवर्स तक ही टारगेट करना है कि 6 ओवर्स में आपने जितने रन कर लिए कर लिए। जब आपने 6 ओवर्स में कम में 62 रन हासिल कर लिए थे, साई मयूब ने क्लासिक इनिंग खेली, अगरचे वो बदकिस्मत रहा, रन आउट हो गया, और अगर वो थ्रो नहीं लगता तो शायद वो लंबी इनिंग खेलता, क्योंकि जिस तरीके से जिस निक पर था ना वो बड़े बेहतरीन, एक तो ग्राउंड छोटा था, सही है, और वो जिस तरह का प्लेयर है, चारों तरफ ग्राउंड के स्ट्रोक खेलता है, पुल अच्छा करता है, हुक अच्छा करता है, और जो है किसका जो नो लुक शॉट है फ्लिक करने वाला, जो ये फाइन लेग पे मारता है, कट अच्छा मारता है, ड्राइव अच्छी करता है, स्ट्रेट पे उठा के मारता है, सब चीजें अच्छी हैं उसके पास। लेकिन जब आपने अच्छा स्टार्ट हासिल कर लिया ना, चले साई मयूब आउट भी हो गया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान को की रोल अदा करना चाहिए था। अब बाबर आजम ने ठीक है एक एंकर रोल अदा किया, उन्होंने एक एंड सवाले रखा और उन्होंने कोशिश भी की कुछ करने की, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया ना, इफ्तिखार ने कुछ नहीं किया। अच्छा, आजम खान पे आ जाए, अब आजम खान को आपने जो है ना एज ए विकेट कीपर बैट्समैन लिया है, कि और विकेट कीपर बैट्समैन वो लिया है जो समझ नहीं आ रही। हाँ, वो इसलिए लिया है कि वो देखिए नेशनल T20 में वो अच्छा परफॉर्म किया उसने बैट से ना, PSL में अच्छा किया, जो मुख्तलिफ लीग्स हैं दुनिया वहां भी अच्छा कर रहा था, तो एज ए बैटर वो कामयाब रहा ना, उसका असल काम बैटिंग करना है, लेकिन क्योंकि आपने जगह बनानी है उसकी टीम में तो आपने उसको विकेट कीपर दे दिया, सही है, और रिजवान को अपने फील्डर बना दिया, चलो ठीक है, लेकिन विकेट कीपिंग में कोई वो डाइव कोई ऐसी तो मारता नहीं है। आज भी उसके पास से एक बॉल निकल गया स्लिप के पास से, तो उसने कुछ कोशिश नहीं की उसकी। सेकेंडली चीज ये कि उसका असल काम बैटिंग करना है, बैटिंग में अगर वो मुसलसल नाकाम हो रहा है भाई, पहले भी नाकाम होता रहा है, ठीक है, अभी उसको आपने एक दोबारा इंक्लूड किया है, 1-2 चांस उसको और देके देख लें, अगर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान जो है, जो डोमेस्टिक काइजन ट्रॉफी के अंदर जो है टॉप स्कोरर रहा है बैट्समैन, जो नेशनल T20 के अंदर टॉप स्कोरर रहा है उसमें, तो आपको उसको मौका देना चाहिए। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 92 के वर्ल्ड कप में मोइन खान थे, मोइन खान का बेटा, 2009 की जो आप जीते थे उसमें उमर गुल थे, उमर गुल का भतीजा, उसके बाद 92 के इंजमाम उलक उनका भतीजा, मतलब ये जद्दी पुश्ती चला आ रहा है कि हम लोग की क्रिकेट टीम मेरिट के बजाय अब रिश्तेदारियों पे बनेगी, कुंडली देख के इसके चचा ने वर्ल्ड कप जिताया था उसको रख लो। ये वो जो इंडिया में एक है ना करण जौहर, जिसके बारे में कहते हैं नेपोटिज्म करता है वो अमीरी फैमिली के, तो हमारा तो सिस्टम ही पूरा करण जौहर बना हुआ है, सही है ना, वो तो होता यही है। अब इंजमाम है तो उसका भतीजा खेलेगा, उसका बेटा डोमेस्टिक खेल रहा है, सही है, वो चीफ सिलेक्टर था तो उसको टीम में शामिल कर लिया था, वो 17 रुकनी टीम में नहीं था, उसको 15 रुकनी टीम में शामिल कर दिया, तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को अब क्या करें, सिस्टम है ही हमारा, हम पूरा पूरी जो कॉम बहसियत जो है ना वो लेने देने वाले मामलात के अंदर ऐसी उलझ गई है कि हाँ यार यूं कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, इसकी बात मान ले। लेकिन अब बहरहाल अब्बास अफरीदी को पूरे 1 साल बाद मौका मिला है, वो PSL 8 में जो है वो
कामयाब टॉप स्कोरर बॉलर था, लेकिन जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई तो आप एहसान अल्लाह को ले गए, जमान खान को ले गए, उस टॉप विकेट टेकर बैट्समैन को, टॉप विकेट टेकर बॉलर को नहीं लेके गए, और उसके बाद भी मुसलसल मौके आते रहे, क्योंकि ये आपको पता है तीन तिगड़ा काम बिगड़ा जो है मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी, इनका जो गठजोड़ था ये वही लेके खिलाड़ी चलते थे जो इनके मनपसंद होते थे, तो उसमें उसकी जगह नहीं बन पा रही थी। एहसान उल्ला अनफिट हो गए, सही है, जमान खान को उस तरह मौका नहीं मिला पूरे तरीके से, तो अब्बास अफरीदी को मौका मिला और आज उसने उसको प्रूव भी किया है। ये बताओ कि अफरीदी आमिर जमाल से ऊपर कैसे है यार? ये ना, ये भाई बस मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं हो जाएगा भाई, ये ऐसी बातें जो ना, ये समझते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये। देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है। वहां पर आपने एक दो इनिंग्स के अंदर ऊपर जाकर एक दो छक्के चौके मार दिए, कभी 30 रन, कभी 32 रन, कभी 27 रन, आप समझ लेते कि यहाँ भी आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता ना भाई। आपको कप्तान, और दूसरा ये कप्तानी भी उसकी कोई बहुत अच्छी नहीं रही आज। इतना बड़ा दिमाग मोहम्मद हफीज बैठे हुए थे, उनसे टिप ले थे। जी जी, हफीज इतने बड़े डिक्टेटर बन गए, ये कह दिया कोई सोएगा नहीं ड्रेसिंग रूम में और ये नहीं होगा और सब नियम को फॉलो करेंगे, और खुद की सिडनी की फ्लाइट मिस हो गई कॉफी के चक्कर में। ठीक है, नियम इतने बड़े तुर्रम खान ये कहां से आ गए? नियम, हाँ, ये कहां से इतने बड़े तुर्रम खान आ गए? ये बहुत से डिसिप्लिन क्रिकेटर थे, दुनिया के टॉप 10 में रहे हैं। पाकिस्तान की अगर 50 खिलाड़ियों की लिस्ट भी बनेगी ना, उसमें शायद ये 50वें नंबर पे होंगे। ये कोई लेजेंड नहीं थे, ये कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे। नहीं, मोहम्मद हफीज ऑलराउंडर की फेहरिस्त में आईसीसी की एक अरसे तक जो है वो यार नंबर वन तो आपने देख लिया ना किस तरह बनता है। पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम फ्लॉप थे और नंबर वन थे वो किसी तरह। हफीज चीटिंग कर करके तो जिंदगी भर उन्होंने चेकिंग की है, फंसे रहे हमेशा, जहां फंसते थे वापस रोक लेते थे, फिर चेकिंग करना शुरू हो जाते थे। ये फैमिली को घुमाने ले गए थे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पे। ये अभी का मसला नहीं है, ये देखिए 96 के अंदर जावेद मियादाद लेजेंड बैट्समैन जो था, हमारा लेजेंड था, वो 96 में रिटायर हुआ, 98-99 के अंदर जो है वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहा था, सही है ना? हाँ, एक बड़ा स्टार क्रिकेटर था ना, जिनके साथ वो खेल चुके थे। हाँ, अब उनके साथ जाहिर बात है जब आप ड्रेसिंग रूम में किसी का शेयर करते हो, जब उसको कोच कर रहे होते हो ना, तो बड़े मसाइल होते हैं। यही मसाइल वकार यूनुस जब कोच बने हैं तो उनके सीनियर क्रिकेटर्स के साथ मसाइल रहे, अब्दुल रजाक के साथ मसाइल रहे, उनके उनके शोएब अख्तर के साथ मसाइल रहे, उनके उनके दूसरे क्रिकेटर्स के साथ मसाइल रहे, इसी तरीके से रहे कि वो, क्योंकि खुद वो ड्रेसिंग रूम से निकल के इनको शेयर कर चुके थे, अब वो आके कोचिंग कर रहे हैं उनकी, तो उनको बुरा लगता था। अब ये क्या चाहते हैं ये लोग? ये चाहते हैं पूरी टीम चेंज हो जाए, वो टीम आ जाए जो बिल्कुल नहीं हो। फिर अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मिसबाउल हक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, सही है, और आपने उनको जो है वो कोच, हेड कोच भी बना दिया, चीफ सेलेक्टर भी बना दिया। अब वही हफीज की उनके अंडर खेल रहे हैं, वही शुएब मलिक की कोचिंग के अंडर खेल रहे हैं, तो ये कैसे है ये? और यही आप, हमने अभी गलती की है, वहाब रियाज को अपने चीफ सेलेक्टर बना दिया, अभी वो जुमा जुमा 8 दिन में रिटायर हुए, हफीज ने भी जुमा जुमा 8 दिन में क्रिकेट छोड़ी है, आपने उनको हेड कोच बना दिया। अब जो खुद खिलाड़ी उन उन बच्चों के सामने जो बाबर है या शाहिन शाह अफरीदी है या मोहम्मद रिजवान है, जब उनके साथ खेलते थे और जीरो पे आउट होके आ जाते थे और कहते थे बॉल यूं हो गया, ये हो गया, तो अब वो आके लड़कों कैसे बोलेंगे यार तुमने ऐसे कट क्यों नहीं किया, तुमने ऐसे कट क्यों नहीं किया? मुझे देखो, सिर्फ मेरे ऊपर कैमरा रखो, सिर्फ मेरी बातें करो, मेरी खबरें होनी चाहिए हेडलाइन में, ये जो प्रॉब्लम है ना नफ्सियाती, ये हफीज भी उसी का शिकार है। खैर, आज मैं देख रहा था स्कोर में सिकंदर बख्त कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को टॉस का कोच भी रखना चाहिए और रिव्यू लेने का भी कोच रखना चाहिए, बाकी तो इनके बाद हाथ खुजाने का, कान खुजाने का सबके कोचिंग है, सिवाय एक उमर गोल के, सिवाय एक उमर गोल के मेरे भाई, कोई एक बता दो स्पिन बॉलिंग कोच अलग है जबकि स्पिनर कोई नहीं चल रहा, ठीक है, आपका फास्ट बॉलिंग कोच अलग है, फील्डिंग कोच अलग है, फर्क कुछ नहीं है। आपकी 87-88 की टीम ज्यादा बेहतर थी इसके मुकाबले में, जिसमें कोई भी कोच नहीं था। सही है ना, बेसिकली अब एक मेरे जाहिर है तो यही है
कि कोच तो भाई वही होना चाहिए जिसने एक अरसा गुजारा हो कोचिंग के अंदर, अगर आपको इस लेवल पे कोचिंग करानी है। एक तरफ तो ये स्नेक और ये ना हो कि अगले दो तीन महीने बाद आप पीसीबी के पैनल में बैठे और कह रहे मुझे उन्होंने ऑफर किया था, मैंने मना नहीं किया क्योंकि मैं टीम की बेहतरी चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं हो। बिल्कुल ऐसे और आप वीडियो लॉग बनाकर जो कह रहे हो देखो कल क्या बातें कर रहा था और आज क्या बातें कर रहा है ये। हाँ यही कर रहा हूँ। ठीक है चलो भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।